सारा जीवन दे दिया दुनिया को, जो पराया था उसको गले लगाते रहे और जो अपना था उसको पराया कर दिया, उसको गले लगाया जो या तो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा या तुम उसे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन जो हमेशा इंतजार करता है, नाले रोवा ते नाले पछतावा, मैं किथे जावा मैनू दस दे। तब ठाकुर जी ने भी एक ही जवाब दिया, क्योंकि ठाकुर जी कई बंधनों में बंधे हैं, कर्मों का हिसाब किताब तो वो करवाते ही हैं। और ठाकुर जी ने कहा फिर भी मुझ तक पहुंचना है तो तुम्हें एक ही जगह जाना पड़ेगा। बेसहारों का सहारा, हम बेसहारों तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। हम बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा, हर घड़ी यशोमति दुलारा, तेरे बरसाने हर घड़ी यशोमति दुलारा, तेरे बरसाने में है।
की सब दुख बारियों को दूर करने के लिए, मन की सब दुख बारियों को दूर करने के लिए, मन की सब दुख बारियों को दूर करने के लिए, मन की सब दुख बारियों को दूर करने के लिए। कुंड गहवर राधा नाम रुचि दीजो बस राधा नाम रुचि दीजो। अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़कर, अब कहाँ जाऊँ किशोरी तेरे दर को छोड़कर, मेरे जीने का सहारा मेरे परसाने मेरे जीने का सहारा।
कुछ लोग हैं जो कल वहीं बैठे थे मेरे साथ, तो वहाँ पर एक संत कथा कह रहे थे बड़ी सुंदर। रोज कहते हैं, यूं तो सारे जग में श्यामा तेरी लीला का प्रकाश, पर अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में। कहने लगे जो ठाकुर जी से डर डर के प्यार करते हैं ना, वो ठाकुर बरसाने की गलियों में इन सखियों के पांव पड़ता है। आज एक दिन निकुंज लीला में ठाकुर जी को आने में देर हो गई, तो राधा रानी मान करके बैठ गई। दो तीन घंटा देरी है गई। अब श्री जी ने कह दिया, अब आए तो कह देना कि अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब श्री जी की अष्ट सखियां आठ द्वार, और जो सबसे पहला द्वार है वहां पे जो किंकरियां हैं वो दरवाजे पर खड़ी हैं। कन्हैया थोड़े डरते घबराते शर्माते से कुछ आते आ रहे हैं। एक बार को आंख फेरने लगे, अंदर जाने लगे, किंकरियों ने पाए, कहां कहां जा रहे हो? बड़े प्यार से कह रहे, क्यों, कौन हो तुम? किंकरियां कह रही हैं, ठाकुर जी से बताओ हो कौन तुम? बोले, तुम जानती नहीं हो मैं कौन? हम नहीं जानती तुम्हें, चलो बाहर यहां से। ठाकुर जी देखे कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। अरे मैं वही श्याम सुंदर, तो क्या करें, चलो बाहर यहां से। जब ठाकुर जी ने देखा दाल गलने वाली नहीं है, तो उन किंकरियों के पैर पड़ रहे हैं आठवें दरवाजे पे, जो सबसे छोटी स्टेज छोटी मानी जाती है, उनके पैर पड़ रहे हैं। अपना मुकुट उनके सिर में रख देते हैं। किशोरी जी ज्यादा नाराज है क्या? तो किंकरियां अपनी ऐंठ में, अब तेरी तरफ देखना ही नहीं है। तो किशोरी जी की किंकरियों की ये शान है कि वहां ठाकुर पांव में पड़ रहा है। जिस ठाकुर के लिए पागल हुए फिर रहे हैं, वो ठाकुर उन किंकरियों के पांव में पड़ रहा है कि एक बार जाने लगे संत की फिर वो है तो चतुर, अपनी मीठी मीठी बातों में किंकरियों को थोड़ा सा बाद में। कहने लगे चलो ठीक है, अभी रुको, पहले अंदर के सात द्वार से फिर श्री जी के पास जाएंगे, तब आज्ञा होगी तब तुम्हें अंदर जाने देंगे, वरना अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहां से चल दो। ये शान है बरसाने वालों की। तो प्यारे, हम क्यों ना गर्व करें, हम बरसाने वाले हैं। अब कहां जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर, और इसी आनंद को लेते हुए, खूब बरसात का आनंद लेते हुए हम वहीं से आ रहे हैं। जब से बरसाने से आ, जब से बरसाने मैं बड़ी ठाकुर जी वाले मुझसे शिकायत करते हैं, आपने ठाकुर जी को छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ा कहाँ, पर क्या करूं, जब से बरसाने से आई, तू ही तू बस दे दिखाई, तू ही मस्ती में हूँ।
राधा नाम की करके कमाई, नाम की मैं पड़ी मस्ती, नाम की करके कमाई मैं पड़ी मस्ती में हूँ। एक पर्सनल बात शेयर करूं, कहीं बार तो नहीं करोगे, कैमरे वाले भैया डिलीट कर दे। आज मैं पता है खुश क्यों हूं, मैंने सुनीता दीदी से कई बार लड़ाई की है कि भैया मेरा ब्रज से बाहर जाने को मन नहीं करता, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम संकीर्तन लिया करो, ये जगह ऐसी है यहाँ से जाने को मन नहीं करता है। तब इन्हें मेरा दर्द समझ में नहीं आया, लेकिन आज बरसाने में बैठी थी जब जाने की तैयारी पहली बार इनके मुख से निकला है, अब तो मेरी भी इच्छा नहीं करती यहाँ से बाहर जाऊँ। मैंने कहा अब तू मान गई तो फिर मेरा भी मनेवा हो जाएगा। जब से बरसाने से आई मैं बड़ी मस्ती, क्योंकि सच बताऊं ये वो चतुर ठाकुर जी की ज्यादा बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, ये हमें भी पागल कर देते हैं, ये सीधे से समझते नहीं है, लेकिन जब इन्हें समझ आ जाती है, अब भैया हम तो कठपुतली हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, हमारी दाल तो गली नहीं, हमने सीधा राधा रानी को कह दिया। राधा रानी ने चलो झूठे से ही कहा इन्होंने, लेकिन एक बार कह तो दिया झूठ है कल सच हो जाएगा। फिर जब किसी को कीर्तन करवाना होगा वो सीधा वृंदावन बरसाने में आके कराए, तब बात बनेगी। जब से बरसाने से आई मैं बड़ी मस्ती, बरसाने में या वृंदावन में ज्यादा है। कान खोल के सुन लेना जो मुझसे बहस करते हैं, मस्ती कहाँ है ज्यादा। ठाकुर जी का बहुत पुराना आशिक मुझे पता है क्या कहता है, मेरे साथ बरसाने रहा 3 दिन और मुझे कहता है दीदी हुण पता चलता है जो तू बिहारी जी रहने तो बेस्ती करके बाहर ही बजा देता, देखता ही नहीं, 10 मिनट टुकड़े इदा लगता है बेस्ती करा के बाहर आ रहे हैं। लेकिन जब से इससे बरसाने में मिले हैं ना तो ऐसा लगता है किशोरी जी नहीं ठाकुर जी भी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं प्यारे यहीं रह ले मेरे पास। जब से बरसाने से आई मैं बड़ी मस्ती, जब से बरसाने से आई मैं बड़ी मस्ती, तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती, तू ही तू बस दे। प्यारी राधिके प्यारी राधिके
के वृंदावन वारी राधिके दोनों हाथ उठा के राधिके बरबन वारी राधिके राधे 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 राध